ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ ସ୍ଥିତ କନକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରେନେଜର ଅପବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏପରି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଫଳଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଡ୍ରେନ୍ର ପାଣି ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏଠାକାର ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ପଶି ଆଣ୍ଠୁଏ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ମାସ ଆସିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତତ୍ପର ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସହରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ନୂତନ ନିର୍ମାଣର କଥା କେମିତି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି କନକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହାପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। वो हर साल बोलने के बाद भी चलते वाले सफाई अभी से बिल्कुल सब क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा सफाई पर नहीं हुआ है नली का बोल करके, फिर ज़्यादा नली को ध्यान रखते हुए फिर नली को हमेशा क्लीन रखे बोल करके और आगे पीछे जो भी सुविधा है उसको पूरा कर रहे हैं। देखिए मंदिर में सब बेले सब वर्ष प्राय प्राय मंदिर में पानी ढोके आम कितु चेस्टा आम रही आम पार्टी आज चेस्टा रही सब जगार आम नेट एंड क्लीन करवा आम व्यवस्था करवा कथा आमको କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଟା ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ କେମିତି ନିଷ୍କର୍ଷ ପାଣିର ନିଷ୍କର୍ଷ ହେବ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିକି ଦେଖିଦେଇଛୁ ଆଉ ସବୁ କାମ ସ୍ୱୀକାରମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ କଇ ସାଲ ସେ ମନ୍ଦିର କେ ଅନ୍ଦର ପାଣି ଆତା ହେଲେ ଲେକିନ ଇତନା ଲାର୍ଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମେ ନହିଁ ଆତା ହେ। ଇସକା କାରଣ ହେ କି ଲାଖୋ ରୁପିଆ हर साल म्युनिसिपालिटी खर्चा करता है नाली को सफा करने के लिए आगे का ड्रेन को, वो ड्रेन सफा नहीं होने के कारण रेलवे की तरफ पानी जाता है, रेलवे से वापस बैक मार के पानी मंदिर में घुस जाता है। और इसके पीछे में आज तक झारसुगुड़ा के अंदर में कोई भी काम नहीं किया है, सिर्फ खाता पत्र में जमा खर्च हुआ है कि हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं। ये झारसुगुड़ा नूतन निर्माण की ओर एक कदम है कि मंदिर का ये हाल है आज। अगर किसी अभी लोगों की दुकानों में घुसा होता पानी तो लोग पूरा दुकान वाले सारे के सारे म्युनिसिपालिटी ऑफिस चले जाते, घेराव कर लेते, लेकिन मंदिर में आज पानी घुसा है तो किसी को कोई टेंशन नहीं है। एक समय है नहीं, हर मंगलवार को तो यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। शनिवार और मंगलवार ये झारसुगुड़ा नूतन निर्माण की झलक है। अभी अभी हमारी विधायिका सरवाल से तो भूमि पूजा की वो पूजा की थी कि पूरा ड्रेन क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज तक क्लियर हुआ नहीं है, जिसका ये एक नूतन निर्माण का आपको झलक है जिसको आप देख लीजिए। तो यही है कि वो सबसे पहले आगे का ड्रेन सफा कर दे तो ऑटोमेटिकली है कि कहीं पर भी पानी नहीं घुसेगा। कि भाई हम लोग को डेली अभी इसको जब तक प्रशासन अपनी तरफ से काम नहीं करेगा तो हम लोग को डेली शुद्धता करनी पड़ेगी भगवान की, डेली कपड़े सब करने पड़ेंगे और उसके बाद में पूजा अर्चना।